नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। देश में पांचवीं एलएमको की ब्रांच उज्जैन में खोली गई है। दिव्यांगजनों के लिए आधुनिकतम उपकरणों को तैयार किया जाएगा, जिससे रोजगार का सृजन होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कही। वे उज्जैन में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलएमको की सहायक उत्पादन इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिव्यांग जनों की सेवा करना मतलब भगवान की पूजा के समान है। उज्जैन में बड़ी सौगात मिली है, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही दिव्यांग जनों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के साथ साथ उन्हें उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। जमाना बदल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के लिए नए नए आधुनिक उपकरण तैयार कर उन्हें बैटरी से चलित ट्राई साइकिल बनाकर वितरित की जाएगी। मुझे ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व मिला तो मैंने संकल्प लिया था कि उस काम को मैं पूरा करूंगा, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो संकल्प पूरा करने में हमको सफलता मिली है। ये भव्य कारखाने का भवन बनकर के तैयार है, लोकार्पित हो गया है। महीने भर पहले से बनकर के तैयार हो गया था, उपकरण बनाना भी चालू कर दिया, पर ट्रायल के बेसिस पर थे। आज से फुल फ्लेश उन्होंने अपना उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभिक तौर पर 30-32 मशीनें फिट हुई है। जो उपकरण बनेंगे, अभी कानपुर में और दूसरी जगह बनते थे, वो सारे आधुनिकतम उपकरण अब उज्जैन में यहाँ पे बनेंगे इस फैक्ट्री में। अभी हमने देखा काम चालू हो गया, आज औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। लेकिन अलग अलग तरह की ट्राइसिकल में भी, बैटरी वाली ट्राइसिकल मैंने भी चला के देखी। अब जमाना बदल रहा है, दिव्यांगजनों को और सुविधा कैसे मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, उसका पूरा ध्यान आदरणीय थावरचंद गहलोत जी रख रहे हैं, उनका विभाग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रख रहा है। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।